अस्पताल में आगमन होता है, 2000 साजों से आमान फटाफट।
सारी का एक फोटो खींच ना यार, प्रदेश के अंदर हमारे इक्यावन मजदूर भाई जो हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे और टनल बनाते समय इस प्रकार से सुरंग में फंस गए थे, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी था और एक लंबा रेस्क्यू अभियान लगभग 16-17 दिनों तक लगातार चला है। और इस दौरान जहाँ दिवाली के दिन से ये प्रारंभ हुआ, दिवाली के दिन से उनको निकालने का और सूचना मिली, उसके बाद दिवाली आई, दिवाली के बाद भैया गुरु, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और इसी बीच में इगास जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और इस लोक पर्व पर हमने पिछले वर्ष से पूरे प्रदेश का अवकाश भी घोषित किया, बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता रहा है। इस वर्ष भी हम लोग मनाने की योजना की, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, ऐसे में जहाँ हमारे 41 भाई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय में किसी भी प्रकार से क्योंकि प्रदेश के अंदर ये घटना हो रही थी तो हम लोग उन्होंने इस पर्व को उस तरीके से नहीं मना पाए थे। एक सांस्कृतिक रूप से पर्व को हम लोगों ने मनाया था और लोग उधर तक यहाँ पर सीमित कर दिया था। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी असली दिवाली, असली भगवाल, असली इगास, असली हमारी गोवर्धन पूजा, सभी पर्व हमारे उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। आज ईश्वर की कृपा से हमारे सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से, भारत सरकार के, राज्य सरकार से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मदद और जिस प्रकार से उन्होंने पल पल की अपडेट दी, पूरे रेस्क्यू अभियान का वहाँ से संचालन किया और सबका समन्वय बनाया और बहुत कठिन काम था क्योंकि इतने सीमांत क्षेत्र में पूरे देश की, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर उपलब्ध हुई। ये तभी संभव हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इस काम के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया और चुनाव अभियान
इस दौरान चल रहा था, पांच राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस विधानसभा के चुनाव में भी शायद कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस घटनाक्रम के बारे में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की। प्रत्येक दिन एक बार अवश्य करते थे और कई दिन ऐसा होता था, एक बार और दो बार और तीन तीन बार भी इस पूरे रेस्क्यू अभियान के बारे में और हमारे जो मजदूर अंदर हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन सी मशीन काम कर रही है, कितना समन्वय हो रहा है, उनके परिजन कैसे हैं, सारी चिंता उन्होंने करी। और थोड़ा सा भी हम हतोत्साहित होते थे क्योंकि इस अभियान में एक बात जरूर होती थी, कई बार हमको लगता था कि अब हम कुछ ही घंटों में ये अभियान पूरा करने वाले हैं, हमारे मजदूर भाइयों तक पहुंचने वाले हैं। उसी बीच ऐसा कुछ हो जाता था कि वो अभियान हमारा एकदम चरम पर पहुंचने के बाद फिर नीचे शून्य पर आता था, यानी पारा एकदम 100 पर पहुंचा और 100 से शून्य पर आ गया, तो वो स्थिति बहुत कठिन हो जाती थी। और 16 तारीख को जिस प्रकार से पूरा का पूरा अभियान रुक गया, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, ऊपर से वाइब्रेशन शुरू हो गया और जो हमारे मजदूर भाई रेस्क्यू अभियान में और अन्य एजेंसी के लोग लगे हुए थे उनकी भी सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया था, वो बहुत कठिन स्थिति थी। लेकिन बाबा बोकनाथ की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे मजदूरों के विशेष निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा अभियान हमारा सफल हुआ है। मैं इस अभियान में लगने वाले एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति जिसने योगदान दिया है, भारत सरकार की एजेंसियों का, राज्य सरकार की एजेंसियों का, विशेषज्ञों का और वैज्ञानिकों का और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने ऐसे समय में, और वहाँ के स्थानीय लोगों का जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने उनका मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जो मजदूर भाई हैं उन मजदूर भाइयों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे विकट परिस्थिति में जब अपने जीवन के लिए वो संघर्ष कर रहे थे और मुझे लगा कि जब अंत में अभी पिछले 5 दिन पहले जिस दिन हमारा ये अभियान संपूर्ण होने वाला था, अभियान जिस दिन पूरा होने वाला था, अचानक ऑगर मशीन फंस गई और फंसने के बाद पूरी तरह से डैमेज हो गई, पाइप भी पूरी तरह से डैमेज हो गया, तो मुझे लगा कि अब हमारे जो मजदूर भाई है जिनको कुछ घंटों में बाहर आना था, अब उनके मन में ये आएगा कि हम तो बाहर निकलने वाले थे और ये ऐसी अचानक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, कहीं उनके मन का उत्साह वो कहीं हतोत्साहित न हो, किसी प्रकार से निराश न हो। तो मेरा मन हुआ सोचता है कि मैं सबसे पहले उनसे बात करूं, और जब मैं उनसे बात करने गया तो मैं सच बताऊं आपको कि उनसे बात करने से मुझे एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने सबा अहमद, गब्बर सिंह नेगी और अखिलेश तीन लोगों से बात करी और तीनों ने मुझे कहा कि साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, आप अंदर की बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने कहा 5 दिन 4 दिन कम से कम ये अभियान पीछे चला गया है, मैं सोच रहा था कि आज आप निकल जाएंगे या कल तक निकल जाएंगे, तो आप लोग कहीं निराश तो नहीं हो रहे? तो उन्होंने कहा साहब हम बिल्कुल निराश नहीं है, 5 दिन की जगह आप 10 दिन लगाइए, हम अंदर बिल्कुल ठीक है साहब, आप बाहर का काम ठीक करिए, हमको सुरक्षित निकालिए, हमको पूरा भरोसा है कि आप हमको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी हमको बाहर निकालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उससे कितना हमारा उत्साहवर्धन हुआ। मैंने आकर सारे लोगों की बैठक करी और उस बैठक में मैंने कहा कि अंदर से वो लोग इस प्रकार हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने अपने आप को हर प्रकार से दुरुस्त रखा है। पूरी टीम 41 के 41 लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ निकले। जो ऑपरेशन ऐसा लगता था कि NDRF और SDRF के जवान जब पाइप के अंदर चले गए, उनको एक को लाने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि वो ट्रॉली बनी थी, ट्रॉली में पहिए लगे थे, उसके बाद उनको उसमें लेटालना था और लेटाने के बाद उनको टेप करना था और फिर रस्से से उनको खींचना था। एक को खींचने में, अंदर बाहर ले जाने में और एम्बुलेंस से कैरी करके मेडिकल कैंप जो हमारा बना हुआ था वहाँ तक लाने में कम से कम 7 मिनट का समय लगता, लेकिन पहले 4 आने में कम से कम 20 मिनट का समय लगा। तो मुझे लगा कि अब अगले 4 लोग आधे घंटे बाद आएंगे, लेकिन मैं खड़ा ही था थोड़ी देर में, उनका मेडिकल चेकअप होकर उनको हमने एम्बुलेंस में बैठा ला, उतने में 11 लोग एक साथ आ गए, उसके कुछ देर बाद फिर 10 लोग आ गए, फिर आते आते ऐसे 37 लोग आ गए। तो मैंने कहा आप कितने लोग बचे? तो उन्होंने कहा कि अब कुल 4 लोग बचे हुए। मैंने कहा कौन 4 लोग बचे? बोले अब वो 4 लोग बचे हैं जो टीम लीडर हैं, उनको कहा गया था कि वो अंत
में आएंगे, तो कुछ ही देर में वो चार कुत्ते आ गए और आधा घंटा भी नहीं लगा और सारे के सारे जो हमने ट्रॉली और स्ट्रेचर जो बनाया हुआ था लाने के लिए, उन्होंने किसी ने उसका उपयोग ही नहीं करा। वो सारे के सारे जैसे ही पाए दिखा क्रॉलिंग करके और दौड़ते हुए और बिल्कुल खुश हमारे बीच में पहुंचे और ऐसा लगा कि आज ही इगास है, आज ही दिवाली है, आज ही जो है हमारे गोवर्धन पूजा है, आज ही हमारी छठ पूजा है, आज ही हमारा कार्तिक पूर्णिमा है, आज ही हमारा गुरु पर्व है। सारे पर्व जो है कल भगवान की कृपा से सामने आए। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, अन्य सभी लोगों का भी और आप सब लोगों का भी, हमारे मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने किसी ने भी इस अभियान को कभी भी जो है हतोत्साहित करने का काम नहीं किया। सारे लोगों ने इस अभियान को एक ऊर्जा देने का काम किया और हमेशा उम्मीद बना के रखी। और कल तो आप लोगों ने जो है दिन में एक बजे ही सारी उम्मीद जो है कर दी, जब तक कि ब्रेक थ्रू होने में कुछ समय था, लेकिन आप लोगों ने पहले ही ब्रेक थ्रू करके सबको बाहर निकालने का जो है जो आशा लोगों के सामने रखी, उसने भी बहुत बड़ा काम किया। आप सबकी आवाज़ जो टेलीविजनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे वायुमंडल में गई, भूमंडल में गई, वो भगवान के पास गई और भगवान ने जो है उसको वापस भेजा और जल्दी से ब्रेक थ्रू हुआ और सारे लोग वापस आ गए, सारे सकुशल हैं और अस्पताल में भी हैं और अभी कुछ उनके सबके परिजन भी यहाँ पहुँचने वाले होंगे। आज इस खुशी के मौके पर धामी जी क्या इन सैनिकों के परिजन भी शामिल? हाँ, उनके परिजन अभी आ रहे हैं और सारे ही परिजन जो है जो लोग हैं, चूंकि उनको अभी मेडिकल सुपरविजन में रखा गया है, इसलिए परिजन लोग अभी आ रहे हैं, कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाले हैं। सीएम साहब, विज्ञान और आस्था दोनों का समागम देखें? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के देश में रहते हैं, यहाँ आस्था और श्रद्धा का देश है और हमारा प्रदेश तो वैसे भी देवभूमि है, जहाँ हर एक स्थान पर देवताओं का वास है, भगवान का वास है, तो उनकी कृपा से, और वो स्थान बाबा बोकनाथ जी का स्थान है, बोकनाथ जी की कृपा से ही ये अभियान हमारा सफल हुआ है। आने वाले समय में वहाँ पर बोकनाथ जी का भव्य और दिव्य मंदिर भी जो है बनाया जाएगा। सीएम साहब, धामी सरकार का ये ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कोई जांच या फिर कोई रुख सरकार अपनाने वाली? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि केंद्र सरकार ने ही अपने स्तर पर इसके लिए जो सेफ्टी ऑडिट है, जितने भी देश के अंदर टनल निर्माण के काम चल रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट का निर्णय वहाँ से हो चुका है, आदेश हो गया है, लेकिन राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ चूंकि टनलों के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर टनलों के काम होने से बहुत सारा जो लंबा रास्ता होता है वो रास्ता आसान हो जाता है। ये टनल भी जो सिलकेरा में बन रही थी, इसके बन जाने के बाद जो चिन्यालीसौड़ और इनके बीच का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत कम हो जाएगा और लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ऐसे अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि चूंकि ये सभी NHAI DCL इसको बना रही थी, अन्य भी जो काम कर रहे हैं राज्य के स्तर पर भी काम चल रहे हैं, जो हमारे स्तर पर नहीं है उन कामों की भी हम समीक्षा करेंगे, जिससे कि निकट भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं।